मदद को बढ़ाए हाथ। आपको बता दें, कोरोना वैश्विक महामारी से देश गुजर रहा है। अभी भी कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे लोग दो वक्त की रोटी के लिए परेशान और दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में चंचल फाउंडेशन के 2 महीने पहले नींव रखी गई और तब से अब तक लोगों को हर तरह से मदद देने की कोशिश की जा रही है। और वहीं आज चंचल फाउंडेशन में मास्क, फल और कच्ची लस्सी ठेला पुल के समीप लोगों को वितरित किए। कोरोना काल में हमने सबको हैंडमेड मास्क बांटे थे और हमने सैनिटाइजर्स बांटे थे। अब हम लोग 2 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक, जो कि पूरा श्राद्ध का टाइम चल रहा है, उसमें हम लोग का टारगेट है कि हम लोगों ने 16 सेक्शंस बना रखे हैं। उसमें हम 500 से ज़्यादा भी लोगों को फूड प्रोवाइड कराने की हमारी कोशिश है। आज हम लोग फल और कच्ची लस्सी सबको बांट रहे हैं। आगे हम लोग का ये रहेगा 15 डेज़ का टारगेट है, जिसमें हम जो लोग बिल्कुल ही सड़कों पर आ गए हैं, जो बेरोज़गार हो चुके हैं, हमारी सबसे ज़्यादा मुहिम यही रहेगी कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो बच्चे गरीब हैं, जो जिनके घर में 2 टाइम की रोटी भी खाने को नहीं है, हम उनको 2 टाइम के एटलीस्ट रोटी खिला सकें। हमारी जो ये मुहिम है, कोई भूखा ना सोए, इस मुहिम को चलते चलते आज 10 दिन हो गए हैं और इस मुहिम को हम अभी 10 दिन और आगे चलाएंगे। इसलिए मेरी सबसे यही दरख्वास्त है, आगे से आगे बढ़ के आएँ और जो लोग बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं उनको रोज़गार। हमारी संस्था को चलते हुए अभी रिसेंटली 2 मंथ्स ही हुए हैं, ये संस्था मेरी मदर के नाम पर है, उनका देहांत हो गया है अभी। तो हम लोग यही उम्मीद से इस संस्था को चला रहे हैं कि लोग अगर चंचल मेमोरियल फाउंडेशन पर आएँ तो उनका काम बने। वो जब यहाँ से निकले तो ये कहते हुए जाएँ कि अगर हम चंचल मेमोरियल फाउंडेशन पर आए तो हमारा काम बने। हमारा मेन मोटिव जो है इस संस्था को चलाने का, कि चंचल फाउंडेशन का नाम आगे बढ़ता जाए और लोगों की उम्मीदें जो संस्था से हैं वो दिन पे दिन पूरी होती जाए। मिनी मैं MBA हूँ और मैं इवेंट प्लानर हूँ। संस्था में मैं ट्रस्टी हूँ।